तो अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं, इस तरह की वीडियो कोई आपके YouTube चैनल पे और इस तरह का नहीं बताया होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह की वीडियो और इमेज कैसे बनाएं, तो इस तरह की वीडियो सिर्फ 10 मिनट या 7 या तो 5 मिनट इतना लगेगा और पूरा इसमें जो पूरा ए से लगाए जेड तक मैं बताऊंगा इस वीडियो में कैसे आपको इमेज बनाना है, कैसे आपको वीडियो का जो इफेक्ट है वो बनाना है और सब बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को पूरा देखना, और इस तरह की वीडियो कोई बताया नहीं होगा यूट्यूब चैनल पे, सब लोग बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, मैं वैसे नहीं, रियल एक ही बार में सब स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। तो मेरी वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं स्क्रीन में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ घट नहीं जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल को आगे बढ़ाना, सब्सक्राइब कर लाइक कर देना। और चलते हैं वीडियो के स्क्रीन पे जाने के बाद मैं सिखाऊंगा इस तरह की ट्रेंडिंग वीडियो। तो मेरे चैनल पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब और मेरे को फुल सपोर्ट करना। चलते हैं वीडियो के अंदर। तो हम आ गए अपने मोबाइल के अंदर और चलते हैं उस तरह की वीडियो एडिटिंग करने। तो सीधे गूगल पे जाएंगे, गूगल में आने के बाद यहाँ सर्च कर लेता हूँ क्रिएटर A3D। इस तरह से सर्च करेंगे तो नीचे की तरह आ जाएगा, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये पहली वाली वेबसाइट है उस पर क्लिक कर देना है, जो पहली वाली फर्स्ट वाली वेबसाइट है इस तरह से उसी पर क्लिक कर देंगे। इस तरह देख सकते हैं, इस तरह लिख कर आ गया इस डैशबोर्ड जो है इसमें लिख, कितने तो यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि इसमें लिखो, मैंने लिंक दे दिया है, नीचे कैप्शन में लिंक दे दिया है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो यहाँ से उस तरह से सर्च करोगे तो ये लिखने के लिए नहीं कहेगा, खुद ही लिख लेगा अपने से। तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से जो ऐप नेम दिया है इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से क्लिक करने के बाद मैं हटा लेता हूँ इनको और मैं अपना लिखता हूँ, खुद का यहाँ से लिख लेता हूँ। आप नीचे देख सकते हैं सादा है, सब सादा है, योर नेम इस तरह से है। तो यहाँ लिख लेता हूँ, मैं अपना नाम लिखूँगा VIND बिंद जी, और यहाँ लिख लेता हूँ गाजीपुर UP 61। ये मेरा YouTube चैनल का नाम है, तो YouTube चैनल का ही लिख रहा हूँ। तो मेरा YouTube चैनल का नाम यहाँ लिख दिया और क्रिएटर पे क्लिक कर दिया, या लॉगिंग भी करेंगे तो मैं लॉगिंग कर दिया हूँ, ईमेल आईडी से जोड़ दिया हूँ, इसको नाम भी दे दिया हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से क्रिएट करेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ही आपको शानदार होने वाली है, जो वीडियो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ, नीचे और भी है देख सकते हैं, ये रहा और ये रहा, ये भी इमेज है, वो भी इमेज है। तो मैं इन्हीं को डाउनलोड करूँगा, देख सकते हैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ उस पर क्लिक करना है और यहाँ 3 डॉट है इस तरह से, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और दूसरा डाउनलोड कर लेते हैं, इस पर भी क्लिक करना है और यहाँ भी 3 डॉट आया, इस पर भी डाउनलोड कर लेना है इसको भी। तो मैं डाउनलोड कर लिया इसको, डाउनलोड करने के बाद आपको और बताऊँगा कि इसको कैसे आपको बनाना है छोटे इमेज में और किस तरह से एडिटिंग करना है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लिया, तो फाइनली मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, बीच में से हटा देता हूँ। तो हटाने के बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ एक इधर का भी उधर का भी कुछ नहीं करना है आपको। सीधी तरह से क्या करना है कि इस ऐप में आ जाएंगे आसानी से। आने के बाद ये बीच में से स्क्रॉल किया और ये काला वाला या ऐसा कोई स्क्रीनशॉट मार लेना आप अपने मोबाइल में और यहाँ से ऐड कर लेना। और इसका रेशियो है जो, उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। इसका रेशियो जो है इस तरह से, इसमें तो फोटो एडिटिंग होता है मगर इसी में बता देता हूँ, मेरे पास है ये। तो यहाँ से इमेज को आपको, इमेज जो है आपका यहाँ से इतना कर लेना है और सही पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं ये इमेज हो गया फुल। फुल हो जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, देखना ध्यान से तभी आप सीखोगे। और यहाँ से जो है इस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से जो ये दिख रहा है, देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये वाला इस पर क्लिक करेंगे, दिखा देता हूँ एक बार और। ये जो डूबल है इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद या गैलरी वाला है इस पर क्लिक कर देंगे और जो आप इमेज डाउनलोड किए हो वो यहाँ से ये इतना कर लेना है।
इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ से इसको जो है फुल कर लेना है। फुल करने के बाद आपको सही पे क्लिक कर देना है, यहाँ से सेव कर लेना है। आपको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से बीच में से स्क्रॉल कर देंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपका वो सेव होगा तो यहाँ पे क्रोम में आते हैं, फिर क्रोम में। और ये मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ हीलिंग टेम्पलेट कैपकट, यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। यहाँ ये कुछ और ही लिखा है तो देख सकते हैं। जैसे ही मैंने हीलिंग टेम्पलेट सर्च किया तो नीचे हीलिंग टेम्पलेट कैपकट आ गया, तो इस पर क्लिक कर देंगे। और जो पहली वाली वेबसाइट है, ये पहली वाली वेबसाइट का लिंक मैंने दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहाँ से जाके आप बना लेना। तो यहाँ से हीलिंग टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। हीलिंग टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद और यहाँ से एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा ये, इसको दिखाने के बाद मैं कौन सा बताऊँगा टेम्पलेट आपको यूज करना है वही टेम्पलेट आपको बताऊंगा यहाँ से, कि आपको ये वाला टेम्पलेट यूज करना है अपने मोबाइल के स्क्रीन के अंदर। तो मैं बताने वाला हूँ वही टेम्पलेट जो आप यूज करोगे। तो इसको देख लेते हैं कैसा है। तो ये अच्छा नहीं है, इसको नहीं, ये नीचे आ जाएंगे। और ये नौवा नौवा जो है देख सकते हैं, ये नौवा टेम्पलेट को आपको यूज करना है भाई, ध्यान से देखना तभी सीखोगे, थोड़ा लेट लगेगा इसी सिखाने में। तो इसी को, ये रहा आपका जो है हीलिंग टेम्पलेट। और इस तरह से मैं ये लिया दिया हूँ टेम्पलेट, इसी को यूज करके इंस्टाग्राम पे काफ़ी ग्रो कर रहे हैं लोग। यहाँ से बीच में से स्क्रॉल कर लूँगा, इसको बीच में से स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से ये कैपकट और VPN आपको ले लेना है, डाउनलोड कर लेना है गूगल पे या क्रोम पे डाउनलोड कर लेना। और इस VPN को ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, यहाँ से इसका लिंक भी मैंने दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से मैं ये VPN अपना कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो VPN मेरा कनेक्ट हो गया, देख सकते आपके सामने ही देखे VPN कनेक्ट हो गया। VPN कनेक्ट होने के बाद ऊपर आपका दिखाएगा सब, यहाँ से VPN हमारा कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ क्रोम में जाएंगे और यहाँ यूज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो यूज टेम्पलेट था उस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे इस तरह से। यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे तो एक आपका VPN कनेक्ट रहेगा तो सीधे ये कैपकट के अंदर चला जाएगा। ये जो इफेक्ट है, इफेक्ट टेम्पलेट है, ये कैपकट के अंदर चला जाएगा। दो ही स्टेप में जाएगा, मगर जाएगा जरूर, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, देख सकते हैं उसके अंदर आ गया। ये टेम्पलेट है जो उसके अंदर आ गया कैपकट के अंदर। तो देख सकते हैं VPN कनेक्ट है इसीलिए आ गया, तो ये कैपकट के अंदर आ गया है, देख सकते हैं ध्यान से आप देखना। VPN ये कैपकट के अंदर आ गया। और यहाँ आपको जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ कि वीडियो बड़ा ना हो। और यहाँ से हीलिंग टेम्पलेट दिया है ही हीलिंग इंडिया, तो यहाँ से यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। जल्दी से मैं कर दिया, आप भी कर देना। और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ फोटो आप इमेज जो बनाए हो उसी को ले लेना है उस तरह। तो देख सकते हैं यहाँ से ले लिया मैंने, तो अभी वीडियो बना रहा है वो उस तरह की वीडियो बना देगा, बहुत जल्दी बनाएगा, देख सकते हैं। तो बन गया वो भी वीडियो आपके सामने है। इस तरह का वीडियो बहुत ट्रेंड में चल रहा है इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी देख सकते हैं। तो ये थोड़ा हैक वगैरह करेगा आपके सामने ही। तो यहाँ से इस पे म्यूजिक दूसरा लगा लेना, अब मैं लगा कर दिखाऊंगा, पहले हूँ इस पे म्यूजिक को दूसरा लगा के आपके सामने लाऊंगा। तो यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पे इस तरह से क्लिक कर देंगे तो आपका वीडियो सेव होने लगेगा। जल्दी जल्दी से हो रहा है वीडियो सेव, देख सकते हैं। तो वीडियो सेव हो जाने के बाद मैं एक बार और आपको दिखाना चाहूँगा जल्दी से। तो वीडियो ये सेव हो गया, प्ले करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो प्ले करके देख सकते हो, देख सकते हैं इस तरह के वीडियो ट्रेंडिंग में इंस्टाग्राम पे चल रहा है। इसका जो रेशियो है आप अपने तरह से सिलेक्ट कर लेना। और चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बिंदु जी UP 61 गाजीपुर को।